विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजांतरगतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं मे वाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। दम श्री दक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाळूर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। इस वीडियो में अभी 41वां श्लोक चल रहा था, ख़त्म नहीं हुआ था। हम बताने जा रहे थे कि ये क्या बता रहे थे, काम माने अज्ञान का निवर्तन कैसे होगा, ज्ञान कैसे हो। ठीक है, हमने बताया था कि ज्ञान जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख का बाधक, ज्ञान विज्ञान का नाशक कौन है, ये काम क्रोध है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब दूसरे लोगों का भी बता देते हैं। वैष्णवाचार्यों का कहना है कि आत्मा का त्वम पदार्थ का ज्ञान होता है और परमात्मा का विज्ञान होता है। ठीक है, परम दयालु, परमोदार, परम सुंदर, अशेष अचिंत कल्याण, गुणगण महोदधि। ठीक है, स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, कल्याण एकतान अखिल, हेय प्रत्यनीक जो परमात्मा है उसका विशिष्ट ज्ञान विज्ञान है। ठीक है, ये ऐसा वैष्णवाचार्य बोलते हैं। मन में काम रहेगा तो ना आत्मज्ञान होगा ना परमात्म ज्ञान। ठीक है, अमरकोश के अनुसार आत्म विषयक ज्ञान ज्ञान है और शिल्प विषयक मतलब दूसरे जो हैं आर्किटेक्चर वगैरह वो विज्ञान होता है इन्होंने बोला, लेकिन प्रकृति पर आधिपत्य स्थापित करने की विद्या का नाम विज्ञान है। अपने मन में काम बसाओगे तो ना आत्मज्ञान होगा और ना व्यवहारिक विज्ञान। ठीक है, निष्काम होकर ही वैज्ञानिक अनुसंधान भी सफल हो सकता है। गीता में ज्ञान विज्ञान शब्द अनेक स्थान पर आते हैं। ठीक है, सातवें अध्याय में भी आया ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम। ठीक है, सातवां अध्याय का दूसरा श्लोक है। उसके बाद 18वें अध्याय के में 42वें श्लोक में भी आया ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ठीक है, अच्छा उपनिषदों में विज्ञान शब्द अनेक स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है, जैसे तद्विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत, फिर दूसरी जगह क्या है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। ठीक है, इन स्थानों पर तो विज्ञान शब्द ब्रह्मवाचक ही है। आचार्य से ग्रंथ से परोक्ष में परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेना ज्ञान है और अप्रोच ज्ञान विज्ञान है। इस अब प्रश्न उठा कि अप्रोच ज्ञान का नाश तो काम नहीं कर सकता, तब ज्ञान विज्ञान नाशनम में नाशनम शब्द का क्या अर्थ हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब अब क्या अड़श अदर्शने मतलब विज्ञान का भी अदर्शन करके यह जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख से वंचित कर देता है, ऐसा समझो। संसार के लोग तो मोह के पक्ष में ही अपने को निक्षिप्त करते हैं, वे अपने पुत्र स्वजन का ही पक्ष लेते हैं। ये मोह ममता मन की दुर्बलता है, इसलिए हे भर्षभम भरतर्षभम मतलब हे भरत के एक भरत ने 3 जन्म में ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया था, एक भरत ने 7 वर्ष की आयु में शेर को पकड़ पा, अतः अर्जुन तुम उस भरत के वंशजों में श्रेष्ठ हो, तुम उन ऋषभ के वंश में हो जिन्होंने ये लोगों में भ्रम न हो कि ऋषभ तीर्थवास से तदाकार वृत्ति से समाधि से या भगवान नाम लेने से मुक्त हुए, इसके लिए दक्षिण भारत के वनों में घूमते हुए मुख में पत्थर रखकर दावाग्नि में शरीर दग्ध किया, उन ऋषभ का स्मरण करो। ऋषभ देव जी का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी ने कहा है उनके सामने मनोजब परकाया प्रवेश आदि अनेक सिद्धियां आई किंतु उनको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। राजा परीक्षित ने पूछा क्यों स्वीकार नहीं किया, सिद्धियां उनका क्या बिगाड़ देंगी। इसका तो उत्तर सुखदेव जी ने दिया, वो स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है। ठीक है, समझ में आया, उन्होंने लिखा है भागवत के 5वें स्कंद में बताया नित्यम ददाति कामस्य छिद्रम तमनु ये अरयः योगिनः कृतम त्रयस्य पत्युर्जारेव पुंश्चली, मतलब इस चंचल मन पर विश्वास करके इसको कभी इससे कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए मन के साथ। इस मन पर विश्वास करने से ही शिव की चिर संचित तपस्या स्खलित हो गई। शिव जी को विश्वास था मैंने काम को भस्म कर दिया, अब मन मेरा कुछ नहीं कर सकता, किंतु मोहिनी के पीछे मन ने उन्हें दौड़ाया कि नहीं दौड़ाया। ये मन सदा काम को अवकाश देता है, जैसे पिता पुत्र को गोद में बैठा लेता है वैसे मन
काम को अपनी गोद में बैठा लेता है, काम आता है, तो उसके पीछे दूसरे शत्रु भी जैसे क्रोध, लोभ, हिंसा, तृष्णा, ये सब आ जाते हैं। जैसे व्यभिचारिणी हैं, स्त्री पर विश्वास करने वाले पति के घर में वो स्त्री पति के शत्रुओं को भी बुला सकती है, वैसे ही मन से मित्रता करके उस पर विश्वास करने वाले साधक के भीतर मन कामादि को बिठाल देता है अंदर लाकर। अतः इस चंचल मन पर विश्वास मत करो, इससे मित्रता मत करो। तब क्या करें, एक व्यक्ति कहता है जब मन में काम आता है तब क्या है भोग भोगना ही पड़ता है, ये व्यक्ति साधक नहीं है। पहले मन से काम चला जाएगा तब इंद्रियों से उसे छोड़ेंगे, ऐसा होना संभव नहीं है, हैं? अब वो व्यक्ति क्या, एक व्यक्ति कहता है जब बुद्धि मन वश में नहीं तब केवल इंद्रियों को रोकने से क्या लाभ, लाभ है, काम त्याग की रीति यही है, ठीक है। गीता के तीसरे अध्याय में दिया है, उन्होंने बोला कर्मेंद्रिय कर्म योगम आसक्त सा विशिष्यते। अर्जुन जो मन से इंद्रियों का नियंत्रण करके कर्मेंद्रियों से अनासक्त करके भाव से कर्म भोग करता है वो विशेष श्रेष्ठ है। मोटर इतने वेग से मत चलाओ कार को कि ब्रेक न लगे, वेग के वशीभूत मत हो। इंद्रियों में जो वेग उतना ही होना चाहिए जितना वेग हमारे वश में रहे, जब तक इंद्रियां सम्मोहित ना कर दें तभी तक उनका नियमन होता है, ठीक है। कार गड्ढे में जाने से पहले ही रोकना पड़ती है, तो काल में नियमन है, सायंकाल 6 से 6 से 7 है, प्रातः 5 से 6 तक भजन करेंगे, उस समय कोई सांसारिक काम नहीं करेंगे, उस समय ना खाएंगे ना सांसारिक बात सोचेंगे। एकादशी अमावस्या शिवरात्रि है, रामनवमी है, जन्माष्टमी आदि को भजन व्रत नियम, सांसारिक भोग त्याग का नियम काल में, ये सब काल में नियमन है। अच्छा देश में नियमन क्या है, ये पूजा घर है यहाँ कोई लौकिक काम नहीं करेंगे, इस प्रकार मंदिर में तीर्थ में भगवान नाम जप ध्यान भजन ये सब भोगों का त्याग देश में नियमन है। व्यक्ति में नियमन क्या है, इस व्यक्ति से अमुक काम नहीं लेंगे, ठीक है। वस्तु में नियमन क्या है, ये वस्तु खानी है ये नहीं खानी है, इन इन वस्तुओं को भोग में नहीं लेना है, ठीक है। दूसरों की इच्छा से अपने पे जो बंधन लगाए जाते हैं वो सचमुच बंधन है, परंतु अपनी इच्छा से हम अपने पर जो बंधन लगाते हैं वो मोक्ष के हेतु हैं। पाप मानम जिसमें रहें उसी को जो पी जाए, जैसे जोंक जिसे लगती उसी का रक्त चूस लेती है। पिबति कर्ता आरम्भति पापमा, जो अपने कर्ता को ही पी जाए वो पापमा है। काम जहाँ रहता है जब तक रहता है तब तक वहाँ रस बनाए रखता है काम, वो कर्ता का रस शुष्क कर देता है। ये कोटर की आग है जो धीरे धीरे जिस वृक्ष में उसे भस्म कर देती है, ठीक है। प्रजा ही अतः इसे त्याग दो, संसार की मीठी लगने वाली वस्तुएं ही आपकी साधना नष्ट करने वाली अप्सराएं हैं। इदमद्यम मया लब्धम इमम प्राप्यस्य मनोरथम, ये गीता के 16वें अध्याय में बताया गया 14वें, मैंने पा लिया, ये पाल अभीष्ट पा लूंगा, इस शत्रु को मैंने मार दिया, दूसरों को भी मार दूंगा, ऐसा नहीं। आशा के सैकड़ों फंदे में फंसे काम क्रोध पराण लोग काम भोग के लिए अन्यायपूर्वक धन का संग्रह करना चाहते हैं, ये आसुरी संपत्ति, इसका त्याग कर दो। ज्ञान विज्ञान नाशनम, यदि ज्ञान का सचमुच नाश हो जाए तो नाश ही सिद्ध नहीं होगा, ज्ञान से ही तो नाश प्रकाशित होता है, ज्ञान नाशातीत है, ठीक है। और नाश का अधिष्ठान है, ज्ञान का नाश काम नहीं कर सकता, समझ में आया, नहीं कैसे करेगा। इसीलिए आप शुद्ध बुद्ध नित्युक्त होकर एक तुच्छ वस्तु के पीछे जब पागल बनकर भागोगे तो आपका नाश हो गया है, बाकी क्या रहा, नहीं समझे। कहाँ तो अत्यंत क्षुद्र मलिन शरीर और कहाँ आकाश को भी घेरे में घेरे हुए आत्मा, किंतु जब आप एक सी शरीर के पीछे व्याकुल होते हैं तो काम ने आपका नाश कर ही दिया है। यहाँ ज्ञान विज्ञान का स्वभाव है अपनी ब्रह्मता का साक्षात्कार कराना, चाहे वो परोक्ष ज्ञान हो या अपरोक्ष ज्ञान, वो आपको चैतन्य के समीप रखता है। काम का स्वभाव है अपने को जड़ के समीप ले जाकर जड़ से तन्मय कर देता है, ठीक है। जब जड़ वस्तु विषय की इच्छा होती है तब ज्ञान प्रतिबद्ध हो जाता है। जब आप कुछ पाना चाहते हो तो जानना नहीं चाहते, पाना चाहते हो तो कहते हो ये अच्छी हो या बुरी मिलनी चाहिए, ये जड़ हो या चेतन हमें चाहिए।
समझ में आया? जब आप पर्याय को चाहते हो, द्रव्य को नहीं चाहते, जहां लिप्सा है वहां जिज्ञासा नहीं है, जानने की इच्छा में समता होती। जानना चाहते हो तो त्याग या ग्रहण की सामर्थ्य रखकर ही जानना चाहते हो ना। ये मित्र होगा तो मिल जाएंगे और शत्रु होगा तो छोड़ देंगे। लिप्सा में पकड़ने छोड़ने की सामर्थ्य नहीं होती, लिप्सा में जिज्ञासा नहीं होती। जिज्ञासा की जड़ कट गई तो ज्ञान विज्ञान कहाँ रहा? ठीक है, जो गुण है प्रिय है उसके गुण दोष की जिज्ञासा नहीं होती। ठीक है, जो प्रिय उसमें गुण दोष नहीं दिखते हैं। समझ में आया? हैं, जिज्ञासा नहीं हो, गुण दोष की जिज्ञासा नहीं होती, उसमें गुण ही दिखते हैं। शत्रु के गुण दोष भी जिज्ञासा नहीं होती, उसमें केवल दोष दिखते हैं। ठीक है, ज्ञान के साथ आनंद होना अनिवार्य है। जो आनंद है वो सत चित भी है। ज्ञान हुआ किंतु जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख में प्रतिबंध अगर बना रहा तो ये प्रतिबंध क्या है? ये ज्ञान होने पर ही ज्ञान पर ही तो प्रतिबंध है। ये प्रतिबंध उपस्थित करने वाला काम ज्ञान का नाशक हुआ या नहीं? सामान्य जीवन में क्या आप अपने बच्चे को स्वतंत्र छोड़ सकते हैं? हैं, वो अग्नि में हाथ डाल सकता है, कुछ कोई भी चीज़ पकड़ सकता है, तो स्वतंत्र नहीं कर सकते। तो मन को क्यों स्वतंत्र छोड़ते हो? मन को वश में करने के लिए जीवन में नियम चाहिए। काम निरोध से पूर्व काम का नियमन आवश्यक है, क्योंकि क्रोध पाप कर मूल के समान काम पाप कर मूल भी है। ये पाप की माँ है काम। ज्ञान विज्ञान नाशनम, अपने घर में बत्ती जलाई है, स्विच दबाया, अंधकार मिट गया, बत्ती बुझा दी, अंधकार हो गया। वृत्ति में आरूढ़ होकर जो ज्ञान प्रकाशित होता वह दीपकवत है। ये दीपक बुझ सकता है, स्वरूपभूत ज्ञान का नाश नहीं होता। काम संसार में मन पर छा जाता है, काम होता है धन पुत्र स्त्री पद प्रतिष्ठा के प्रति। मन में विषय है तो जिज्ञासा कैसे जागे? जब मनुष्याकार वृत्ति धनाकार वृत्ति हो रही है तब भगवदाकार वृत्ति नहीं रहती। ठीक है, ये काम साधक के लिए दुखद है, दुष्ट है, वो ये उसके ज्ञान विज्ञान को ढक देता है। ठीक है, ज्ञान विज्ञान हो जाने, अविद्या का नाश हो जाने पर भी जब तक शरीर है तब तक शरीर में चित्त वृत्ति रहती है। अच्छा, वृत्ति में मल या पाप वासना नहीं है, विक्षेप नहीं है, आवरण भंग हो चुका है। जिस क्षण में ऐसा है उस समय आत्मचैतन्य वृत्ति में प्रतिबिंबित होता है। ये आत्मदेव सच्चिदानंद घन है, इनके प्रतिबिंबन में ही जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख का आस्वादन है। ये तत्व ज्ञानी के जीवन में होता है, अज्ञानी के जीवन में ये नहीं होता। ठीक है, जब कर्तापन और भोक्तापन का स्फुरण ना हो तब वासना शून्य शुद्ध सात्विक प्रतीतिमा तंताकण में जो सच्चिदानंद घन प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व का प्रतिबिंबन है वो सुख ही सुख है। आत्मलाभान्न परम विद्यते, आत्मलाभ से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। ये जो जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख है वो जब अंतःकरण में कर्तापन का स्मरण होता है, मैं कुछ करूँगा करूँगा तो अमुक फल मिलेगा, जब वासना से अंतःकरण में आत्म तत्व का प्रतिबिंबन ढक जाता है, जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख ही ज्ञान विज्ञान का फल है। उसी को काम लुप्त कर देता। ठीक है, ज्ञान होने के बाद भी अंतःकरण में कामाभास या क्रोधाभास आता है। जब देहाभास प्राप्त है, मिथ्या देह और मिथ्या अंतरण का आभास हो रहा है, तब बाधित काम और बाधित क्रोध का आभास होना क्या आश्चर्य की बात है? लेकिन ऐसी दशा में जीवन मुक्त को भी उसके विलक्षण सुख से वंचित करने के वाले ये काम क्रोध कितने बड़े पापी हैं, ये समझ लो। अतः साधक जिज्ञासु सावधान हो जाओ। ये काम क्रोध ज्ञानोत्तर ज्ञान के बाद भी जब व्यक्ति को सता सकते हैं, तो तुम तो अभी साधक हो, कुछ हो नहीं। ठीक है, एक ज्ञानी कहते हैं मैं ऐसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। मान लो मेरे बाधित अंतःकरण में कोई लौकिक कामना ही हो तो क्या इससे मेरे स्वरूप में कोई बाधा पड़ती है? स्वरूप में तो बाधा नहीं पड़ती, किंतु आप लौकिक विषय चाहते ही क्यों भाई? ज्ञानी बोलता है मुझे अच्छा लगता है। मान लो तो जब लौकिक विषय में आपकी रुचि है तो स्वर्ग जाने पर जो कल्पवृक्ष अप्सराओं और अमृत की प्राप्ति होगी उसमें आपकी अरुचि कैसे हो ही नहीं सकती। इस लोक की वस्तु में आपकी रुचि है तो उस रुचि को पूरा करने के लिए आपका पुनर्जन्म क्यों ना हो, है? क्यों ना परलोक मिले आपको? ज्ञानी ये सब बाधित हैं बोलेगा। जब बाधित होने के कारण आप स्वर्ग और कल्पवृक्ष अप्सराएं अमृत नहीं चाहते और पुनर्जन्म के बाद होने वाला विवाह नहीं चाहते, तो इस जन्म में जो विषय बाधित हैं उन्हें क्यों चाहते हो? दृष्ट दुखम न पश्यति, शरीर रहने तक प्रारब्ध रहता, अतः दृष्ट दुख ज्ञानी के जीवन में भी होगा।
ज्ञानी के सम्मुख जब आव तो आएगा, अगर जो भी आएगा वो तो उसके मालूम पड़ेगा ना। जब निद्रा आएगी तब निद्रा, जब भूख लगेगी तो भूख की प्रतीति होगी। ज्ञान की दृष्टि से हम इसकी भी उपेक्षा करते हैं, ठीक है। लिखा जीवानम खुर्म मार्जारम हंति हन्यात कथम रते। जीता चूहा ही बिल्ली को मार नहीं सका तो मरने पर क्या मारेगा, समझ में आई है। पंचदशी में आया अज्ञान, उसके कार्य रहे वे ज्ञान के द्वारा मार दिए गए हैं, और उनसे ज्ञान सम्राट को कोई भय नहीं। उल्टे ज्ञान होने पर जो काम क्रोध आदि हैं वे मुर्दे हैं, इनके शवों से ज्ञान की कीर्ति ही होती है। ये ज्ञान की महिमा है कि इस कामादि के रहने पर भी ज्ञानी का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, ठीक है। कभी कभी साधक को भ्रम हो जाता है कि जब मेरे मन में काम क्रोध आ गए तो मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा कैसे हो सकता हूँ। इससे निराश ना हो भाई, इसलिए सिद्धांत बनाया गया क्या, रागन द्विषन भावान तत्वम द्वेष्टि। राग से द्वेष करने के कारण आप तत्व से द्वेष करते हैं, ठीक है। सुसुप्ति में राग द्वेष नहीं रहते हैं, स्वप्न में राग द्वेष होते हैं पर वे बाधित हो जाते हैं। जागृत में भी राग द्वेष सदा नहीं रहते, तनिक सी देर में मन में कुछ स्फुरित हो गया उसके लिए ज्ञान निष्ठा नहीं छोड़नी चाहिए, जिज्ञासा बनाए रखो, आगे चलकर कल्याण होगा। वार्तिककार ने एक दृष्टांत दिया बहुत बढ़िया। उन्होंने बोला एक मनुष्य वन में जा रहा था, पास में गाय ने एक बच्चा दे दिया, गाय और बछड़े को संभालने उन्हें हिंसक पशुओं से बचाने चला तो पैरों के नीचे चींटी कुचल गई। उसे लगा चींटी का हत्या हो गई, अब तो पहले इसका प्रायश्चित करो, स्नान करो। वो इस खटपट में लगा, गोरक्षा छूट गई। तात्पर्य कि छोटी छोटी बातों को इतना मत पकड़ो, बड़े उद्देश्य को पकड़ो। बड़े हम इस वस्तु को प्राप्त ही करेंगे, इसी जन्म में ना मिली तो अगले जन्म में पाएंगे। ये काम ने ही आपकी जीवन मुक्ति में बाधा डाली हुई है। दृष्ट दुख की निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए, पंचदशी में उन्होंने बताया बुद्धि के दोषों है। उन्होंने बोला धी दोष सत्यंग्यात लोकह पूज्यस्व देहवत, ठीक है। बुद्धाद्वैत द्वैत सत्तत्वस्य यथा यथेष चेष्टा चरणम यदि, मतलब पंचदशी दिया बुद्धि के दोषों को त्याग कर लोक में देवताओं के साथ सामान्य पूज्य बनो। यदि अद्वैत तत्व ज्ञान प्राप्त कर यथेष्टा चरण ही करना है तो अशुद्ध पदार्थ के भोजन करने वाले कुत्ते और तत्वज्ञानी में क्या अंतर होगा। हमें अद्वैत ज्ञान हो गया, अब हम चाहे जो करें ऐसा नहीं है, चाहे जो खाएं चाहे जो करें, यदि आप ऐसा सोचोगे तो आप में और कूकर शूकर में क्या अंतर रह गया, ठीक है। ज्ञान विज्ञाने नाशने यस्य तद ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान विज्ञान नाशक है जिसके उस काम को छोड़ दो। काम मिटेगा ज्ञान विज्ञान से, मैं देह हूँ, ये देह मेरा है, ये संबंध अविवेक मूलक है, इसको जो दूर कर दे वो ज्ञान। और न केवल देह से संबंध अपितु देह के आश्रय पंचभूत, न मैं न मेरे, देह के परिणाम के कारण जिस देश और काल की प्रतीति होती वे न मैं न मुझ में, ठीक है। ऐसा वस्तु देश और काल से अपरिचिन्न आत्म तत्व मैं, ये विज्ञान है, ठीक है। तो काम के दो मूल हैं क्या, अविवेक वेकज अर्थाध्यास, अर्थात दूसरी वस्तु है, और दूसरा संसर्गाध्यास, अर्थात दूसरी वस्तु मेरी है। पहला अर्थाध्यास, दूसरा संसर्ग। ये सब हम ये अपने और लोग सोचेंगे अर्थाध्यास क्या है, संसर्गाध्यास, ये सब हमारे वीडियो पड़े हुए हैं वेदांत के, वो आप सुनिए तब समझ में आएगा। ज्ञानी ज्ञान से संसर्गाध्यास और विज्ञान से अर्थाध्यास निवृत्त हो जाता है। अतः यदि आपको काम क्रोध लोह मोह से दुख होता है तो विवेक पथ पर चलो, समझ में आ गया। काम रूप दुरासदम, काम को समझना ही कठिन है, ठीक है। गंगा तट पर बुलंदशहर में एक महात्मा अच्युत मुनि जी के यहाँ एक बार स्वामी खन्ना जी बोले, वहाँ मैं विचार बना कि वहाँ चले, कौन सी प्रेरणा ईश्वर की है और कौन सी काम की, इसकी पहचान कैसे हो।
श्री अच्युत मुनि जी ने कहा हमारी पसंद के अनुसार जो प्रेरणा हो उसमें काम का हाथ संभव है, जो प्रेरणा हमारी पसंद के विपरीत आती है उसे भी ध्यान से देखो, वो अपने प्रिय का आदेश है या शत्रु का काम, क्रोध का, ठीक है। ऐसे दुरासद बहुरूपीय काम को इंद्रिय निग्रह मात्र से संपूर्ण वश में नहीं रखा सकता, इसे मार देना ठीक है। मारने का उपाय बतलाने जा रहे हैं, क्या है काम को मारने का उपाय क्या है। श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कर्म योग के प्रसंग में, ये सब मैं बता रहा हूं, ठीक है। वह कहते हैं कि उच्च पौरुष की बात है, कर्म योग प्रसंग कहते हैं कि उच्च पौरुष की बात है, जय शत्रु महाबाहो, इसलिए ये कर्म योगाध्याय है, ठीक है। मतलब कर्म रहे और काम न रहे, ये सबसे महत्व की बात है। प्रजय इस पापी को छोड़ दो कहा, उसमें विषय के जो चार भाग है, पहला इंद्रिय ग्रह है, दूसरा मनोग्रह है, बुद्धि ग्रह और आत्मग्रह, इन चारों विषयों को छोड़ने की बात कही, किंतु छोड़ने पर काम फिर आ सकता है, अतः इसको भस्म करने की रीति बतलाई है। इसमें वेदांत की सर्वोत्तम प्रक्रिया हम आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, भोक्ता भोग और भोग्य इस आत्मसंवित का ही विलास बतलाते हैं। इसलिए अब आगे 42वां श्लोक में आगे बताते हैं, क्या क्या बताते हैं, 42वां श्लोक क्या है, अच्छा 40 हो गया ना, 42वां श्लोक, इंद्रियाणि परायाण हुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धि परतस्तु सह। मतलब शरीर से इंद्रियां, शरीर से परे इंद्रियां, इंद्रियों हैं, शरीर से इंद्रियां परे या श्रेष्ठ हैं, और इंद्रियों से मन परे या श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि परे है और बुद्धि से भी अत्यंत परे वो आत्मा है। यहाँ तीनों शरीरों के साक्षी को परमात्मा कहा गया है, ठीक है। कर्म तथा सगुण निर्गुण उपासना तो बुद्धि के विषय हैं, परंतु ठीक है ज्ञान जो है बुद्धि का विषय नहीं है। इससे ये निश्चित हुआ कि काम केवल कर्म और उपासना से नहीं जीता जा सकता, तो किस प्रकार जीता जा सकता है, ठीक है, किस प्रकार जीता जा सकता है काम, मतलब ज्ञातेभ्या विषयेभ्या परा इंद्रियाणि इत्याहु। मतलब संसार में जो कुछ ज्ञात हो रहा है वो इंद्रियों से ज्ञात हो रहा है, ठीक है। ये स्त्री पुरुष सुगंध दुर्गंध विषय इंद्रियों से जाने जाते हैं, एक एक इंद्री से अनेक अनेक विषयों का ज्ञान होता, तद तद इंद्री के अभाव में तद तद विषयों का ज्ञान नहीं होता। वस्तु सत्ता को इंद्रिय अधीन न माने या न माने, पर विषय ज्ञान तो इंद्रियाधीन है कि नहीं है। सर्वे विषया इंद्रियाधीना इंद्रिय प्रकाशिता भवन्ति, सभी विषय इंद्रियों के अधीन और इंद्रियों द्वारा प्रकाशित होते हैं, इंद्रियों के बिना उसकी सत्ता जानने का कोई उपाय नहीं है, ठीक है। इसलिए भागवत में दिया है भूतम प्रसिद्धम चा परेण यद यत तदेव तत् स्यादिति मे मनीषा। भागवत जो जिससे उत्पन्न और जिससे प्रकाशित होता है वो उससे पृथक होता है, वह उसमें अभिन्न होता है, ठीक है, ऐसा भागवत का श्लोक है। तो यदि सत्ता और प्रकाश एक में से ही निकलता हो तब तो कहना ही क्या, जैसे घट मिट्टी से उत्पन्न है, अतः मिट्टी से पृथक नहीं है। घट का रूप, घड़े का रूप नेत्र से प्रकाशित होता है, तो ये रूप नेत्र से पृथक नहीं है, अतः संविद से प्रकाशित ये समस्त विश्व संविद से पृथक नहीं है, ज्ञान से पृथक नहीं है। जब संविद या ज्ञान कि अखंडता का बोध हो जाएगा तब भोक्ता भोग के भाव चूर्ण चूर्ण टूट जाएगा, बिखर जाएगा, भस्म हो जाएगा। समझ में आया, उपनिषद बोलते हैं, उपनिषद क्या बोला, यच्छेदवांग मनसो मनसी प्राग्यस्तत यच्छेद ज्ञानम आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति तद यच्छेच्छांत आत्मनि। मतलब बुद्धिमान वाणी इंद्रियों को मन में नियंत्रित करे, बुद्धिमान वाणी मतलब इंद्रियों को मन में नियंत्रित करे, उस मन को विज्ञानात्मा बुद्धि में नियम करे, उस विज्ञानात्मा महान में और उसका शांत आत्मस्वरूप में नियमन करे। अब जब अच्छा साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक जड़ दृश्य दृश्याभिन्न आत्मचैतन्य, और आध्यात्मिक दृष्टि है कि आत्म चैतन्य अभिन्न जड़ दृश्य है, ठीक है। मतलब जड़ता का परिणाम जड़ता और चैतन्य का परिणाम चैतन्य होगा। आप जो बोलते हैं वाणी से जो शब्द निकलता है वो मन के सहयोग से निकलता है या नहीं,
मन ना हो तो सार्थक निरर्थक शब्दोच्चारण वाणी से नहीं होगा। अतः जैसे वाणी के बिना शब्द नहीं, वैसे मन के बिना वाणी नहीं। इसी प्रकार बुद्धि के बिना मन नहीं है और आत्मा के बिना बुद्धि नहीं। आप ना हो तो बुद्धि कैसे ज्ञात होगी? तो बुद्धि में जानकारी होती है, मन में प्रियता अप्रियता होती है, इंद्रियों से देह भोग भोग की जानकारी होती है, वस्तुतः जानकारी सब में। कर्मवादी क्या कहते हैं? जिस ज्ञान और भक्ति में समाज सेवा समाज सेवा नहीं है वो व्यर्थ है, उसका स्वर होता है। क्या ज्ञान और भक्ति की बात करते हो? कुछ करो तो, मतलब अर्थात उनके लिए हाथ पैर ही सर्वस्व, नेत्र कर्ण मन बुद्धि की महत्ता नहीं है। ये देहोन्मुख व्यक्ति की स्थिति है। भक्त कहते हैं जब भगवत भक्ति हमें प्राप्त है तो न संसार में हमको कर्म करने की आवश्यकता और न ज्ञान हमें चाहिए, हम भगवत प्रेम से कृतार्थ हैं। अच्छा, ज्ञानवादी कहते हैं अखंड अद्वैत आत्म तत्व के आत्मज्ञान के ज्ञान से अज्ञान दूर हो गया, अब हम कर्म करें तो किसके लिए करें और भक्ति करें तो किसके लिए? हम तो न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर। अच्छा, ज्ञानवादी को कर्म और भक्ति की आवश्यकता नहीं है और भक्तिवादी को कर्म और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, देहात्मवादी को ज्ञान और भक्ति की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ज्ञान मार्ग में केवल विचार से ही काम निरोध होता है, हैं? स्वामी अखंडानंद बताते थे कि मधईपुर के बाबा श्री अविनाशी जी महाराज कहते थे कि जहाँ विचार नहीं रहता उस समाधि को कभी मत चाहना, वो ऐसा बोलते थे। अगर विचार नहीं है तो समाधि को ऐसी समाधि मत चाहो। जिस प्रेम में विवेक खो जाता उस प्रेम को कभी मत चाहो, जिस कर्म में विवेक खो जाता उस कर्म को कभी मत करना, विचार को सदा जागृत रहना रखना, ठीक है? यच्छेदवांग मनसी प्राज्ञः, प्राज्ञ को प्रज्ञा को मत खोना। जहाँ समझदारी नहीं वहाँ कोई सिद्धि नहीं। श्रद्धा समाधि परोक्ष ज्ञान से आवरण भंग नहीं होता, श्रद्धा केवल संशय को दबा देती है, ठीक है? अब शब्द से परे वाणी है, वाणी से परे मन है। आधे मन से बोलोगे तो तुम्ही को नहीं पता चलेगा क्या बोल गए। बोलने से पूरा मन तटस्थ हो तो बोल ही नहीं सकोगे। मन से क्या सोचते हो, किससे प्रीति करें, किससे शत्रुता, किसका निर्णय बुद्धि के अनुसार होता है। बिना बुद्धि के मन काम नहीं करता। इंद्रियाणि पराण्याहु, मतलब हाथ पैर उपस्थ गुदा और वाणी, ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। कान नेत्र त्वचा रसना और नासिका, ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। विषयां इंद्रियां विषयों से परे हैं, ये इंद्रियां ही विषयों का पालन पोषण करती हैं, ठीक है? मूल्य सोने का होता है परंतु पहनता तो मूल्य कंकण कड़ा या हार का है। एक मनुष्य ऐसे देश पहुँचा जहाँ सोना ही सोना है, तो उसके शरीर में अब मान लीजिए कुछ हो गया फोड़ा है, तो वहाँ से डॉक्टर ने फोड़े का पर मिट्टी का लेप लगाना बताया। अब मिट्टी उस देश में नहीं थी, वायुयान से मिट्टी मंगाई जाती थी, फलता उस देश में मिट्टी का वही मूल्य था जो हमारे देश में सोने का है। अब एरोप्लेन से जब मिट्टी मंगाओगे तो मिट्टी कितनी महंगी हो जाएगी, सोने से ज़्यादा। तो तात्पर्य है कि मूल्य वस्तु का नहीं, मूल्य वस्तु की उपयोगिता आवश्यकता का होता है। संसार के सारे विषय इंद्रियों से सिद्ध होते हैं, इंद्रियों से प्रकाशित होते हैं, अतः वे इंद्रिय सत्ता मनोधीन है। मन के संकल्प विकल्प से पृथक इंद्रियों की सत्ता नहीं है। बुद्धि के विशेष ज्ञान के अतिरिक्त मन की सत्ता नहीं है। ज्ञाता के अतिरिक्त बुद्धि का कुछ अर्थ नहीं है। बुद्धि कभी सोती कभी जागती है, ज्ञाता ही उसका सोना जागना देखता रहता है। ये ज्ञाता बुद्धि मन इंद्रियों से तदात्म करके विषय वासना से मोहित हो जाता है। काम की पहुंच कहाँ तक, वो कभी इंद्रियों के विषयों में सौंदर्य दिखलाता है, कभी मन में संकल्प विकल्प उठाता है, कभी बुद्धि को अपने पक्ष में कर लेता है, यहीं तक काम की पहुंच है, ठीक है? आप वह जो जब इंद्रियां विषयों को प्रकाशित करती हैं तब भी आप रहता है, आप तब भी वो रहता है ना, और जब वे विषयों को प्रकाशित नहीं करते तब भी रहता है, ठीक है? तो जब मन संकल्प विकल्प करता तब भी वो रहता है, और जब संकल्प विकल्प नहीं करता तब भी वो रहता है, ठीक है? जब बुद्धि विशेष ज्ञान का प्राप्त करती तब भी वो रहता है, और जब विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं करती तब भी रहता है, ठीक है? जब विशेष का ज्ञान प्राप्त नहीं कर तब भी रहता है। तो आप ज्यों के त्यों हैं। काम की पहुंच, हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि काम की पहुंच आप तक नहीं है, उसकी पहुंच इंद्री मन बुद्धि तक ही है। ऐसे समझ में आया? कामा संकल्पो विचिकित्सा एतत् सर्वम मन एव, श्रुति बोल रही है, वेद
वेद बोल रहा क्या, काम संकल्पो विचिकित्सा एतत सर्वम मन एव, काम संकल्प और उस पर विचार ये सब मन का ही विलास है। जो साक्षी ज्ञाता दृष्टा है उससे काम का कोई संबंध नहीं जुड़ता। इंद्रियाणि पराण्याहु, प्रकृति देवी आत्मदेव के सम्मुख नाना विलास कर रही हैं। जो अपने स्थान पर रहता हुआ खेल देखे उसकी महिमा है, जो खेल देखकर मंच पर आकर नाचने लगे उसे प्रकृति पद दलित कर देती है। जो बुद्धि से परे बैठा है वो आप हो, आप दृष्टा से नट कैसे बन गए, इस नर्तकी का नृत्य देखो, इसके साथ नाचो मत। इसीलिए श्वेता स्वतोर उपनिषद में आया कि मायाम तुम प्रकृतिम विद्यान, मायनम तू महेश्वरम, माया को प्रकृति समझो और आप उसके अधिपति महेश्वर हो। यो बुद्धे परतस्तु सह, आप कौन हो जो बुद्धि से परे है वह, इंद्रियां चपरासी हैं इनसे काम का काम नहीं चलता तो वो मन के पास जाता है, मन क्लर्क है, मन से काम नहीं चलता तो निजी सचिव सेक्रेटरी के पास जाता है, बुद्धि के पास पहुंचता, बस काम की गति यहीं तक है। एक टीकाकार कहते हैं कि यह इंद्री मन बुद्धि से परे काम है, उसको वश में करो, ये बात कही उन्होंने। ठीक है, अब ये अभी पूरा नहीं हुआ श्लोक, उसको अब हम आगे अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। ओम शांति शांति शांति।